गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपके चैप्टर नंबर 9 2D। इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट दिए हैं आपको 15 और 5। दूसरा पॉइंट है 9, 20। इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आपको पॉइंट दिया हुआ है 11 एंड 15। आपको निकालना है रेशियो, एक लाइन सेगमेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 15, 5, 9, 20। और जिस पॉइंट पे ये डिवाइड होता है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 11 और 15। आपको निकालना है फाइंड रेशियो, किस रेशियो में ये डिवाइड होता है। देखिए ये आपको बताया था, ये जो होती है वैल्यू एक्स वन की है x1=15 और y1 की वैल्यू है 5। ये x2 की वैल्यू है 9, y2 की वैल्यू है 20। ये जो है आप x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 15 है। अब आपको इंटरसेक्शन फॉर्मूला बताया था, इंटरसेक्शन फॉर्मूला था x और y दोनों के लिए। तो हमें यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू पता है। तब x या y किसी एक का फॉर्मूला लगा करके रेशियो पता कर सकते हैं। अगर हमें दोनों वैल्यू पता तो किसी का भी लगा लेंगे। जो ऊपर आपका क्वेश्चन 5 और 6 था उसमें हमें एक ही वैल्यू पता थी, तो हमें जो वैल्यू पता थी उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे दोनों पता है तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। तो x का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x=m1x2+m2x1/m1+m2। x की वैल्यू आपके पास b=11 है, m1 आपको पता नहीं है, रेशियो फाइंड करना है। x2 की वैल्यू है 9, m2 आपको पता करना है, x1 की वैल्यू है 15 अपॉन m1+m2। इसके नीचे 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11m1+11m2=9m1+15m2। m1 की तरफ लाएंगे तो 11m1-9m1=15m2-11m2। इलेवन एम वन माइनस नाइन एम वन हो जाएगा आपका 2m1, ये हो जाएगा 4m2। m2 को इसके नीचे ले आएंगे, m1/m2=4/2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा भाई 2:1। इस प्रकार से आपको ये आप रेशियो फाइंड करना है। इसका और भी एक तरीका है, तो आपको बुक में दिया हुआ देखोगे, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो हम मान सकते हैं कि लेट ये k:1 में डिवाइड होता है। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप मान सकते हो कि ये क्या है, k:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी k, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू आपके पास 11 है, m1 k आ गया, x2 की 9 हो जाएगी, m2 1, ये हो गया आपका 15, k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 × k 11 k 11 1 जाए 11, ये हो जाएगा 9k+15। एक तरफ लाएंगे 11k-9k=15-11, 2k=4, k=4/2=2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 2। तो आपने जो रेशियो माना था, एज्यूम किया था, वहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू हो गई 2 और ये आ गया 2:1। तो दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आता है, आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको एक लाइन सेगमेंट के इस प्रकार से। एक पहला पॉइंट है 11 और 9, अदर पॉइंट है 1 और 2। इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या करते हैं इसको ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, थ्री इक्वल डिवाइडर, थ्री इक्वल पार्ट। इसको क्या कर दिया, थ्री इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है, तो तीन बराबर भागों में बांटने के लिए आपको इसको क्या होगा, दो बार कट करना होगा, वन। तो इसके तीन इक्वल पार्ट हो गए। तो जब इक्वल पार्ट है तो आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 1:1:1। कितनों इक्वल है, कोई भी डिजिट होगा उसमें डिवाइड करोगे तो 1:1:1 मिलेगा। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसके थ्री इक्वल पार्ट हो गए। अब आपको इन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 3:3 है। अगर हम बात करें, अगर इसको M1 माने, इसको M2 माने, तो ये M3 हो गया। और हमारे पास फॉर्मूला में जो होता है M1 और M2 ही काम आता है, 3 काम नहीं आते। तो 3 का क्या करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस एक पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को लेंगे, तो ये पार्ट क्या हो गया, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1:2 काम लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1+1। तो ये देखो, पहले जो वैल्यू होती है वो x1 होता है, x1 की वैल्यू 11 है, y1 की वैल्यू 9 है, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। और एक बार है भैया, हमने क्या किया, आगे वाले को इतना सा हमने ये जो है आपका हिस्सा लिया, पीछे लिया, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आगे हम पहले बड़ा हिस्सा ले लें, फिर पीछे छोटा हिस्सा लें, तो ये 2:1 भी हो सकता है। हमने आगे वाले दोनों पार्ट्स को ऐड कर लिया, तो ये x1, y1, x2, y2 सेम रहेंगे, सिर्फ m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब आपको x और y की वैल्यू 2 टाइम्स पता करनी है, दो बार पता करनी है फॉर्मूला लगा करके। x का फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। y का फॉर्मूला होता है आपका m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो ये फॉर्मूला हम एक बार इनके लिए लगाएंगे, इस m1 m2 के लिए, और एक बार लगाएंगे हम इन m1 m2 के लिए। एक बार तो हल कर देता हूँ इसके लिए। तो x की वैल्यू पता कर रहे हैं, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू भी आपके 1 है, m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है आपका 11 अपॉन 1+2। तो 11 2 = 22 + 1 = 23 / 3 आ गया। m1 की वैल्यू हम लेंगे वापस 1, y2 2 है, m2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 9 है, अपॉन 1+2, 9 2 = 18 + 2 = 20 / 3। अब इनका काम लेना है, m1 की वैल्यू क्या हो गई 2, x2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, x1 की 11 अपॉन 2+1, 11 = 11 + 2 = 13 / 3 हो जाएगा। 2 × 2 m1 y2 + m2 y1 / 2+1 9 + 4 = 13 / 3। तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। इसका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं, 4 इक्वल पार्ट 1, 2, 3 and 4। तो इक्वल पार्ट है मतलब इनका रेशियो अगेन क्या होगा, 1:1:1 होगा। तो यहाँ पे आपके चार पार्ट आ गए, तो चार बार आपको जो है इसको हल करना पड़ेगा। और x1 y1 x2 y2 हर बार सेम रहेंगे, m1 m2 चेंज होगा। जैसे हमने क्या किया, पहले इसको ऐड कर लिया तो आपको मिल गया 1:3। मतलब जब फर्स्ट टाइम हल सोल्व करोगे, m1 की वैल्यू 1 यूज करोगे, m2 की वैल्यू 3 यूज करोगे। फिर हमने रिवर्स कर दिया, इस प्रकार से इसको लिख दिया 3:1। तो अब की बार आपको m1 की 3, m2 की वैल्यू 1 यूज करनी है,
फिर हमने क्या किया, टू टू पार्ट्स को ऐड कर लिया, तो टू टू तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 रेशियो 1 भी आ जाता है। तो अगर आप कोई बुक देखो तो हो सकता है दोनों में 2 का डिवाइड हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट हो गए, तो 1 1 से भी सोल्व किया हुआ मिल सकता है। तो आपको ये 3 बार सोल्व करना है। यहाँ पे ट्राइसेक्ट हुआ था तो आपने 2 बार हल सोल्व किया है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट हुआ तो आपको 3 बार हल करना है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हर बार सेम रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक लाइन दी हुई है, 3x + y = 9। ये लाइन जो है एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 3 एंड 2 7। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होता है, तो किस रेशियो में होता है हमें वो निकालना है। जैसे हम एक मानते हैं कि भाई ये लाइन है, ये इसको इस प्रकार से यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दोनों लाइन पे है। तो हमने पहले क्या किया, तो हम जब भी रेशियो की बात आते हैं मान लेते हैं कि भाई के रेशियो उनमें डिवाइड करता है, लेट दिस लाइन डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन के रेशियो 1। तो यह हो गया आपके x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 7, m1 = k एंड m2 = 1। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। x का फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। y का फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। x की वैल्यू हम पुट करेंगे m1 is k, x2 is 2, m2 is 1, x1 is 1 / k + 1, m1 k y2 is 7, 1 × y1 is 3 / k + 1। तो हो गया आपका 2k + 1 / k + 1, 7k + 3 / k + 1। तो ये आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये x y इस लाइन सेगमेंट पे भी है और ये x y की वैल्यू इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगी, ये दोनों का ये कॉमन पॉइंट है। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई लाई ऑन लाइन 3x + y = 9। तो ये इस एक्स की वैल्यू ये है, इस वाई की वैल्यू ये है, मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू आप इस लाइन में पुट कर दीजिए, तो 3x की वैल्यू पुट कीजिए 2k + 1 / k + 1 + y 7k + 3 / k + 1 = 9। इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा k + 1, तो 3 2 6k + 3 1 3, ये सेम आ जाएगा 7k + 3 = 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 + 7 13k + 6 = 9k + 9, 13k - 9k = 4k, 9 - 6 = 3, तो k = 3/4। तो रेशियो आ गया आपका भाई 3/4 ratio 1। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3 ratio 4, 3 ratio 4 में डिवाइड होगा।
देखिए आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको पॉइंट गिवन है 3 और 4, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट गिवन है आपको 3 और 4, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, तो y एक्सिस से, तो आपका y एक्सिस ये है, डिस्टेंस इधर जाओगे तब होगी, तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आप जब मेजरमेंट करोगे किस पाएगा, x एक्सिस पाएगा, तो x डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो आपको y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या पूछा आपको, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपने क्या बताया एक्स इक्व टू 3। अगर आपसे पूछा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो आप ये डिस्टेंस बताते हैं, तो ये डिस्टेंस किसकी है, आप किसकी मेजरमेंट कर रहे हो, तो वाई की वैल्यू, अपोजिट बताना है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंट दिया है 3a, अदर पॉइंट है 4 1, और बीच की डिस्टेंस दी हुई आपको √10, डिस्टेंस है √10, तो ये आपका एक्स वन हो गया, ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला √x1 - x2² + y1 - y2² डिस्टेंस आपको गिवन है √10, रूट एक्स वन की वैल्यू 3 - 4² वाई वन a - 4². रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा 10 = 3 - 4 - 1, 1 का स्क्वायर कौन होता है a - 1² प्लस 1 इधर हो गया माइनस हो गया, टेकिंग रूट ले लिया हमने, इसका रूट लिया तो क्या हो गया 9 का √3 और ये आ गया a - 1, तो a की डिस्टेंस आ जाएगी 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और जब आप रूट निकालोगे तो प्लस माइनस आता है, तो एक बार प्लस 3 एक बार -3, तो -3 आएगा a - 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3 + 1 a = -2, तो आपके दो आंसर हो जाएंगे a के 4 और -2। √9 जब निकालोगे आप तो दो वैल्यू आएंगे +3 और -3। एक आपके दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, एक स्क्वायर के आपके जो है अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जैसे स्क्वायर है ABCD, तो आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए का कोऑर्डिनेट है आपके 5, -4, तो इसका अपोजिट वर्टिसेस जो है ये है, ए का सी होगा -3, 2। हमें लेंथ निकालिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, तो ये आपका एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या होता है, x1 - x2² + y1 - y2² लगा लेंगे, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी माइनस, और y x2 की वैल्यू हो जाएगी -3, तो 5 - -3² y1 - 4 - y2 5 और 3 हो गए 8, 8 = 64, 6 = 36, 100 का हो जाएगा √10 यूनिट। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, मीटर है हमें पता नहीं,
तो हम आगे क्या लगा देंगे, यूनिट, 10 यूनिट आपके जो है लेंथ तो डायगोनल हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से आप एक चैप्टर, अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सको। एक लास्ट और देख लेते, जैसे 15 है, एक लाइन सेगमेंट है उसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 0, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 1, हमें इसके निकालना है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, आपको ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, ये सी जो इसका है मिड पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो हम अगर ये एक्स वन वाई वन माने हैं, एक्स वन की वैल्यू 4 है, वाई वन की वैल्यू 0 है, तो हमें यहाँ पे एक्स टू और वाई टू फाइंड आउट करना है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और ये मिड पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्व टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई का फॉर्मूला होता है वाई इक्व टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो आपको एक्स की वैल्यू दी है 4, एक्स वन है 4, एक्स टू फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 8 इक्व टू 4 प्लस x2, एट माइनस 4, एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, वाई की वैल्यू है 1, वाई वन की 0, वाई टू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो वाई टू की वैल्यू हो जाएगी आपके 2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए, 4 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स टू और वाई टू की। तो ये आपके जो है चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।